सो दोस्तों वेलकम बैक टू विंग से उड़ान अभी तक आप सबको मालूम चल चुका होगा पता चल चुका होगा कि कल का एफ डब्ल का एग्जामिनेशन जो कि जेके एस एस बी ने कनेक्ट करवाया और जिसमें जेके एस एस बी की कोशिश रही थी कि एक ट्रांसपेरेंट और एक स्ट्रीमलैंड वे में एग्जामिनेशन को कनेक्ट करवाया जाए और आई वुड से कि बहुत हद तक जेके एस एस बी इसमें सक्सेसफुल भी रही एक अच्छे ट्रांसपेरेंट और स्ट्रीमलैंड वे में करवाने में कंडक्ट एग्जामिनेशन को बट एट द सेम टाइम आई वुड से दे आर लॉर्ड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन द क्वेश्चन पेपर पर्टिकुलरली आई वुड से अकाउंट्स एंड मैथेमेटिक्स ये दो सेक्शंस हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बोला कि पता चल चुका होगा कि इसमें कुछ गलतियाँ जो है वो जेके एस के द्वारा की गई है क्या वो मिस्टेक्स रही हैं और मैथ्स और अकाउंट्स के क्वेश्चन जो कि जेके एस ने जहाँ पर मिस्टेक की उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा स्टूडेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा होता है और उसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसके लिए उसकी अप्रोच सही हो जो वहाँ पर स्टूडेंट जो है वो सही तरीके से सॉल्व कर रहा हो उसका आंसर भी सही आ रहा हो बट ऑप्शन में उसे वो आंसर नहीं दिख रहा है और उस वजह से सिर्फ वही क्वेश्चन जो है उसी पे फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि जो एक स्टूडेंट का मोरल डाउन होता है कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता है उसकी वजह से बाकी क्वेश्चंस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है ये सब पे हम बात करने वाले इस वीडियो के दौरान तो शुरुआत करते हैं शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट जो सीरीज कल पूछी गई थी जेके एस के द्वारा यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है सीरीज ए बी सी और डी वो सारी सीरीज के ऊपर मैं बात करूंगा सारी पी जो है वो मेरे पास अवेलेबल है आप सब भी ये डाउनलोड कर सकते हो कहाँ से कर सकते हो मैं सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो पहले मैं बात करूँगा मैथ्स सेक्शन की बिकॉज आई टीच मैथ्स तो मैं मैथ्स के ही बारे में बात करूंगा अकाउंट्स के बारे में किरण सर ने पर्टिकुलरली अपने चैनल पे वो चीज़ें बता दी आपको मैथ्स की अगर बात की जाए तो आपको मालूम होगा कि देवर टू क्वेश्चंस जहाँ पे प्रॉब्लम थी वो कौन से आइए एक बार देख लेते हैं तो ये मैथमेटिक्स का सेक्शन मैंने अपने सामने दो ऑप्शंस देखने को मिल रहे थे ऐसा गलती अगर जेके एस से हुई तो क्यों ही मैं इसका आपको एक रीजनिंग दे रहा हूं अगर आप वो क्वेश्चन अपने दिस इज दैट क्वेश्चन एटी फोर आप यहां क्लियरली देखो क्या कोई मिस्टेक हुई है जेके एस से यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे एम की वैल्यू सिक्स नॉट इक्वल टू सिक्स वो ऑप्शन भी है और एम की वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस सिक्स वो ऑप्शन भी है तो ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ उसमें ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं और जो आपको देखने को मिला वो अलग अलग है ऐसा क्यों हुआ और क्यों ये डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल पे देखने को मिल रहा था कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे नहीं हमारे बारे में हमारे पेपर में तो ऐसा देखने को नहीं मिला या आप ही के पेपर में देखने को मिला ऐसा क्यों बोल रहे थे स्टूडेंट तो 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 रीज़न इसका साफ ये है यह जो सीरीज़ मैंने अभी ओपन की है आप एक बार चेक कर लीजिए ये सीरीज है सीरीज़ ए जो मैंने अभी आपको बताया सिर्फ क्वेश्चन बुकलेट की जो सीरीज ए है वहां पर जो जेके एसमी ने पेपर डाला मैथ्स का कोई मिस्टेक नहीं थी यहां पर एक भी सिंगल मिस्टेक नहीं थी आई मैं बता देता हूं आपको वापस से देखो एम के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो क्वेश्चन नंबर सीरीज ए का एट्टी फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर बिल्कुल सही क्वेश्चन दिया है ऑप्शन सी देखो एम इज नॉट इक्वल टू सिक्स और ऑप्शन डी देखो एम इज नॉट इक्वल टू माइनस सिक्स और राइट right ऑप्शन जो इसका है वो आई थिंक एम इज नॉट इक्ल्स टू सिक्स था बट क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज है वहां पर दोनों ऑप्शंस जो है वो इस तरह से देखने को मिले पहला ऑप्शन भी एम इज़ नॉट इक्वल्स टू सिक्स था और दूसरा वाला ऑप्शन भी एम इज नॉट इक्वल्स टू सिक्स था ऐसे में क्वेश्चन जब मिला बच्चे को तो वो कन्फ्यूज हुआ कि मैं किसको टिक करूँ अगर मैं सी को करूंगा तो यह ना हो कि आंसर डी में छुपा हो तो उसका गलत हो जाए डी को करूं यह ना हो आंसर सी में छुपा हो तो उसका गलत हो जाए तो यह मिस्टेक कहां हुई ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए की अगर मैं बात करूंगा वहां ये मिस्टेक नहीं हुई है आइए मैं आपको बताता हूं दूसरी बुकलेट्स मैंने अभी आपको ए वाली दिखाई ये देखो मेरे पास बी भी है सी भी है डी भी है और यह सब बुकलेट्स आपके पास भी होगी कहां से डाउनलोड करनी है आई वुड टेल बुकलेट सीरीज बी में आपको बता रहा हूं अब देखो यहां पर अब जे क्या मिस्टेक हुई है अगेन मैंने मैथ्स का पोर्शन जो है वो ओपन किया अभी जो मैंने एम वाला क्वेश्चन आपको बताया था यहां देख लीजिए आप क्या एम वाले क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं आ रही दिख रहे हैं आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एग्जैक्टली सिमिलर देखने को मिल रहे हैं यहां से जो माइनस होना चाहिए था वो कॉपी पेस्ट करने में जेके एस एस बी जो है वो गलती कर बैठा और ये चीज़ समझनी चाहिए जेके एस को जब वो एक इतना बड़े लेवल पे एक ह्यूज रिक्रूटमेंट कंडक्ट कर करवा रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर्स को एक बार गोथ्रू करने में क्या जाता है मैं मानता हूँ जब क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया जाता है तो गलती हो जाती है हर एक जो सिंबल है साइन है वो कॉपी नहीं हो पाता है मैं ये चीज़ समझता हूँ क्योंकि हम भी क्वेश्चन पेपर्स जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं स्टूडेंट की तो ये ये डीटीपी ऑपरेटर्स जो होते हैं उनसे ये मिस्टेक कॉमन मिस्टेक हो जाती है बट फर्ज बनता है फिर किसका जेके एस एस का कि वो एक बार प्रूफ रीडिंग करे पूरे क्वेश्चन पेपर की देखे कि कोई गलती तो नहीं होगी क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन के गलत होने से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा पूरे क्वेश्चन पेपर के ऊपर इसमें मैं बात करने वाला हूँ पहले मैंने आपको सीरीज कौन सी बी वाली दिखाई अगर मैं सीरीज सी के ऊपर आ जाऊँ जल्दी से इसको भी देख लेते हैं सीरीज सी में देखो यहां पर भी मिस्टेक हुई है यहां भी सी और डी में माइनस जो है वो नहीं दिख रहा सीरीज डी की बात करूं अगर मैं तो यहां पर भी देखो यहां भी मिस्टेक हुई है क्या एम इक्वल टू नॉट इक्वल टू सिक्स वाला ऑप्शन है दोनों में ये वाला क्वेश्चन हाँ यहां पर देखो एटी सिक्स ठीक है तो ये क्लियर हो गया यानी कि सिर्फ जो बुकलेट सीरीज ए थी वहीं पर जेके एस ने क्लैरिटीज दी वहां पे क्वेश्चंस बिल्कुल सही देखने को मिले बाकियों में देखने को नहीं मिले वहां मिस्टेक होगी कॉपी पेस्ट करने में ये था पहला सवाल जो मैं मैथ्स का बात कर रहा हूं अभी मैं आ जाता हूं दूसरे सवाल के ऊपर दूसरा सवाल भी देखो वहां भी हमने देखा होगा कोलिनियर पॉइंट्स वाला जो क्वेश्चन था ना उसकी मैं बात कर रहा हूं एक बार वो ढूंढते कहां पर है क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन नाइनटी देखो आप देखो आपने देखा होगा कि माइनस माइनस वाली जो हर एक जगह डिफरेंट जगह बताया जा रहा है कि नहीं देखने को मिले क्वेश्चन बुकलेट सीरीज में वो ए वाली बुकलेट सीरीज में देखने को मिल रहे हैं देखो सिक्स माइनस वन टू एट माइनस सेवन के ये वाले पॉइंट है कोलिनियर है ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो और ऑप्शन भी देखो एक माइनस वाला है और एक टू वाला है, है ना अब ये जब कॉपी पेस्ट किया ना सीरीज ए बुकलेट में तो ठीक था जब कॉपी पेस्ट किया तो बाकी बी सी या डी में कोई भी ओपन करूंगा ना वहां पर गलती होगी इनसे गलती हो गई और पकड़े भी गए हैं ये छोटी सी मिस्टेक थोड़ी यह बहुत बड़ी मिस्टेक है पकड़ा जाना ही था स्टूडेंट कम्युनिटी है उनके लिए साथ एक नंबर का भी ऊपर नीचे हेरफेर होगा कुछ छोड़ेगा थोड़ी बख्शेगा थोड़ी क्योंकि पॉइंट टू फाइव से आप सिलेक्शन रोक देते हो रुक जाती है और अल्टीमेटली नेचुरल है क्योंकि पॉइंट टू फाइव में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉल कर रहे होते हैं तो ये एक नंबर मायने रखता है और जो इसको गलत कर जाएगा उसका पॉइंट टू फाइव कटेगा भी तो यहां देखो क्या आपको माइनस देखने को मिल रहा है? नहीं दिख रहा और ऑप्शन भी देखो टू और टू ही देखने को मिल रहा है ओपन करी है आप सी ओपन करो आप डी ओपन करो वहां भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है आइए मैं रिपीट करता हूं मैं आपके दस पंद्रह मिनट जरूर लूंगा बढ़िया चीजें आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है ये लीजिए मैंने डी ओपन किया यहां भी देख लो माइनस जो है वो देखने को नहीं मिल रहा तो ये वो मिस्टेक है जो जेके एस के द्वारा कंडक्ट की गई है और मैं आपको बता दूं ये जो बुकलेट सीरीज़ है ए बी सी ओ डी मैंने खुद से नहीं निकाली है ये अब जेके एस एस बी को डिनाई भी नहीं कर सकता क्योंकि ये क्वेश्चन बुकलेट की जो सीरीज़ है ये जेके एस एस बी के जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन वाला एक लिंक डाला है ना वहाँ पर अवेलेबल है आप सब डाउनलोड कर सकते हो जब आप रिप्रेजेंटेशन वाले लिंक को क्लिक करोगे वो आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर मांगेगा तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा क्लिक टू व्यू क्वेश्चन पेपर सेट ए बी सी ओ डी इस तरह से देखने को मिलेगा आप क्लिक करोगे सारे पी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो इट मीनस जेके जब कैन नॉट डिनाई कि किसी बच्चे ने इसको कुछ स्कैन करके कुछ ऐसा कर दिया हो उनको सामने है ये मिस्टेक पहली पॉइंट ये हो गया वापिस आते हैं बुकलेट सीरीज में दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूँ अगर आप जेके पी एस आई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू सिंपली हैव टू सर्च पंकिल कपूर ऑन यूट्यूब आपको एक यूट्यूब चैनल मिलेगा पंकल कपूर नाम से अभी इस वीडियो को पॉज करके पहले सर्च कर लो तो चैनल पे आ जाइएगा बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं आने वाले समय पर और भी अपलोड करने की कोशिश की जाएगी और कल के बाद जो रिस्पॉन्स रहा है स्टूडेंट्स का वो देखने बनता है और बहुत अच्छा फील होता है जब स्टूडेंट्स इतने बार बार कॉल कर रहे होते हैं अपना स्कोर बता रहे होते हैं बट एट द सेम टाइम जब इस तरह की मिस्टेक करता है ना जेके एस एस तो बुरा भी लगता है बुरा इसलिए भी लगता है क्योंकि सिर्फ एक नंबर की बात नहीं होया यहाँ पर देखो जब मैं अगर एज एन स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट अगर ये पेपर देने जा रहा हूँ और मेरे सामने ये क्वेश्चन आता है जब मैं सॉल्व करता हूँ इसको देखो कुछ कोई स्टूडेंट होगा जिसने मैथ से शुरुआत की होगी और मान लो अगर वो पहले ही इस क्वेश्चन पे आ जाता है ये जो भी गलती की है जिसमें जेकेस एस ने पहले अगर वो इस क्वेश्चन पे आ जाता है और उससे सॉल्व करने के बाद वो वैल्यूज मिलती नहीं है ऑप्शन में तो उसका मॉरल कितना डाउन होगा हो सकता है कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन के पीछे भागता रहे भागता रहे पांच से दस मिनट वेट कर वेस्ट कर दे और एक सवाल की वजह से बाकी क्वेश्चंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आप खुद सोचो क्योंकि पॉइंट टू फाइव की बात है वहां से सिलेक्शन जो है वो रुक सकती है मेरे हिसाब से ये एक मिस्टेक नहीं बोलूंगा दिस इज़ अूज ब्लेंडर वाइफ जेके एस एस बी जहाँ पर जेके एस एस बी की अप्रीशिएशन बनती है ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए वहीं पर जेके एस एस बी को हमें यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करना भी बनता है कि इतनी मिस्टेक आप कैसे कर सकते हो और एक ऐसा पेपर जिसे कंडक्ट करवाने में आप डेढ़ साल ले चुके हो वन पॉइंट फाइव ईयर ये बहुत बड़ा नंबर है और ये तो दो मिस्टेक्स मैंने सिर्फ आपको मैथ्स में बताई कॉमन मिस्टेक है मेरा सब्जेक्ट है मुझे बुरा लगा मैंने आपको बताया इससे कहीं ज़्यादा मिस्टेक जो है वो अकाउंट्स में करी हुई है उन्होंने वाउचर वाला एक क्वेश्चन है जहां मिस्टेक करी हुई है एक इसके अलावा सोशल अकाउंटिंग पे तीन चार बेतुके साथ सवाल पूछ लिए जो कि बनते ही नहीं है और जहां पे सवाल बनते हैं जिस पे बच्चे ने इतना वक्त दिया पार्टनरशिप कॉस्ट अकाउंटिंग या कोई और वहां से सवाल ही नहीं पूछे तो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कहां रखा स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा बुरा लगता है देखने को तो मुझे लगता है मैथ्स का जो कन्फ्यूजन था वो आपको क्लियर हो गया होगा अब इसके बाद दो सवाल जो कॉमन रहेंगे स्टूडेंट के वो यही कि सर इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है पहला और दूसरा ये कि सर क्या हमें इसका मार्क्स मिलेंगे मैं आपको उसके बारे में भी बता दूँ देखो अभी जो के का प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट हुआ था पीछे वहाँ पर आ, क्या हुआ था क्वेश्चन जब गलत हो गया उन्होंने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया अब डिल यहाँ पर डिलीट होगा या ग्रेस मार्किंग मिलेगी मैं उस पर बात कर रहा हूँ देखो वहाँ क्वेश्चन डिलीट क्यों किया जब उन्होंने फाइनल रिजल्ट आउट किया ना तो उनमें उनको मार्क्स शो नहीं करने थे स्टूडेंट के तो इसलिए वो डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं मुझे नहीं लगता यहाँ डिलीट करेंगे क्योंकि यहाँ तो बच्चे को स्कोर शो करना पड़ेगा उनको ठीक है और ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं है कि परसेंटाइल में शो करेंगे वो अगर स्कोर को शो करना है और अगर वो क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं तो आउट ऑफ 120 नहीं फिर आउट ऑफ 119 या 118 उनको मार्क्स देने पड़ेंगे है ना तो ये बात बनती नहीं है मुझे लगता है ग्रेस मार्किंग होगी और अगर ग्रेस मार्किंग होती भी है तो अगला सवाल ये उठता है कि सर जिन बच्चों ने क्वेश्चन को अडेम्प्ट ही नहीं किया क्या उनको नंबर मिलेंगे देखो दिस इज टोटली इन द हैंड्स ऑफ जेके आमतौर पे ये देखने को मिला है कि अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हो चाहे वो गलत भी क्यों ना किया हो किया होगा अगर अटैम्प्ट तो उसको उसके नंबर मिल जाते हैं और वो स्टूडेंट जिसने इसको अटैम्प्ट ही नहीं किया उसको नंबर नहीं मिलते दिस इज नॉट टोटली इन द हैंड्स ऑफ जेके के एस कि वो जो ग्रेस मार्किंग करेगा ये सभी के लिए करेगा या कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है मुझे पर्सनली ये फील होता है नॉर्मली होता यही है रूल यही होता है जिसने अटैम्प्ट किया क्योंकि अटैम्प्ट करने का मतलब उसने वक्त लगाया है उसके ऊपर बट मैं आपको बोलूँ मुझे लगता है कि सभी को ग्रेस मार्किंग करनी चाहिए वो इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटम्प किया होगा अटैम्प्ट करने के बाद जिनका एम आंसर आ रहा था एम इक्वल्स टू फोर्टीन उनको ऑप्शन में देखने को नहीं मिला और हो सकता है उन्होंने आंसर की को टिक ही नहीं किया हो ये भी तो हो सकता है ना दिस इज पॉसिबिलिटी क्योंकि मैं खुद जानता हूँ दो तीन स्टूडेंट्स को उन्होंने बताया मुझे कि सर आंसर निकालने के बाद वो ऑप्शन में दिखा नहीं हो मैं तो हमने टिक ही नहीं किया सेफ प्ले किया उन्होंने बट इसका मतलब उन्होंने समय तो दिया था ना तो इट मीन्स कि सबको ग्रेस मार्किंग मुझे लगता है जेके एस को करनी चाहिए और ये एक डाउट था स्टूडेंट का जो मैं इस पूरी वीडियो में क्लियर करना चाहता था आई होप बहुत हद तक मैं क्लियर हो कर भी पाया होंगे तो दोस्तों अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है कुछ पूछना चाहते हो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट कमेंट सेक्शन इज ऑल यूर्स यू कैन सिंपली आस्क मी आई वुड ट्राई टू टेक अप द रेलिवेंट कमेंट्स और यूट्यूब uh, पर जाके पंगिल कपूर सर्च करना मत भूलिएगा वहाँ पे यूट्यूब चैनल मिलेगा सर्च करके सब्सक्राइब करिए वहां पर भी आपको वीडियोज मिलेगी पढ़ने के लिए आप वहां पर भी आ सकते हैं दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर गुड बाय जय हिंद एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेन्शंस टू ऑल दो स्टूडेंट्स वो आर हैविंग एट्टी फाइव प्लस स्कोर एंड दिस इज अ हिंट फॉर द कट ऑफ वी विल प्रोवाइड यू सेपरेट वीडियो फॉर द कट ऑफ